राजधानी रायपुर में रमेन डेका ने राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित गरिमामय समारोह में छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल के रूप में अपने पद की शपथ ले ली है। बता दें कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि रमेन डेका ने राज्यपाल की शपथ ली है, मैं उन्हें अपने और पूरे प्रदेशवासियों की ओर से बधाई देता हूं। इसके आगे उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ से असम का बहुत पुराना संबंध है। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोग असम के चाय बागान में काम करने गए और वहीं बस गए। निश्चित ही असम और छत्तीसगढ़ की मित्रता और आगे बढ़ेगी, साथ ही रमेन डेका के मार्गदर्शन पर छत्तीसगढ़ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। शपथ लिए हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे तरफ से, छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से और आसाम के साथ छत्तीसगढ़ का बहुत पुराना संबंध है। छत्तीसगढ़ के बहुत लोग पहले वहाँ चाय बागान में काम करने गए, वहाँ बस गए, कई कई पीढ़ी से हैं। कई लोग वहाँ नेता भी हो गए, विधायक सांसद हो गए, अब वहाँ के हमारे प्रदेश के गवर्नर हो गए। तो अब छत्तीसगढ़ और असम की मित्रता और घनिष्ठ होगी और माननीय रमन डेका जी के मार्गदर्शन में हमारा ये छत्तीसगढ़ और बहुत तेजी से विकास करेगा। To be governor of Chhattisgarh, I will see that Chhattisgarh will march ahead to be a developing state, and for that I will work as a mediator in between government of Chhattisgarh and central government. I wish my all best wishes to the people of Chhattisgarh, because we have a long relation with Chhattisgarh in Assam. During this days, a lot of people went to Assam and they still live with us. They have now indigenous Kelandia. So they have a great contribution in tea industry and other industry. So our cultural relation will grow. I'll try my level best to grow the broader cultural relation. And we have same problems. I'll try to understand this thing first, geopolitical situation, demography, geography, then I will express my views in various subjects. Now, this message. Thank you.